पुलवामा हमले का भारतीय वायुसेना ने लिया बदला, सर्जिकल स्ट्राइक दो से बॉलीवुड में जश्न। आज पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज पुलवामा आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। आज सुबह 3:45 बजे भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के कैंपों को उड़ा दिया है। इस हमले में 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। हमले को पुलवामा के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के 12वें राज्य लड़ाकू विमान ने पीओके में पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है। इसके साथ ही 1000 किलो बम गिराए गए हैं। हालांकि अभी मरने वाले लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया है जिसकी हर किसी को उम्मीद भी नहीं थी। वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस वक्त खुश हैं और ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इंडियन एयरफोर्स पर मुझे बहुत गर्व है। वहीं प्रीति जिंटा ने भी इस पर अपनी खुशी व्यक्त की है। प्रीति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज एक आतंकवादी को मारना कई निर्दोष लोगों की जान बचाता है। सीमा पर आतंकी शिविरों को नष्ट करके इसे संभव बनाने के लिए भारतीय वायुसेना को सलाम करती हूँ। सुनार की एक लोहार की। साफ है कि प्रीति भी इस वक्त कितनी खुश है। प्रीति के अलावा कई और बॉलीवुड सितारे भी जो इससे बेहद खुश हैं। सिंगर कैलाश खेर ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि नई दिशा नई दशा, नई रीति नई नीति, नए भारत को, सच्चे भारत के सपूतों को शत शत नमन। अभिषेक बच्चन भी इस खुशी में शामिल हुए और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि नमस्कार करते हैं। विवेक ओबेरॉय ने भी इस पर खुशी व्यक्त करते हुए जय हिंद लिखा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलिका शेरावत भी इस पर बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा, भारत माता की जय। हाल ही में फिल्म उरी में नजर आने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी लिखा कि इंडियन एयरफोर्स, भारत माता की जय, जय हिंद।